अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोगों ने एक्चुअली अपना इंटर केमिस्ट्री पार्ट टू सेकेंड ईयर का सिलेबस केमिस्ट्री का स्टार्ट किया हुआ है, और हम लोग चल रहे हैं जी चैप्टर नंबर 3 पे, विच इज ग्रुप 3 एंड 4 एलिमेंट्स। यानी इस चैप्टर के अंदर, चैप्टर नंबर 3 के अंदर, हम ग्रुप 3 एंड 4 एलिमेंट्स को डिस्कस कर रहे हैं। ग्रुप 3 की बात करें अगर फिलहाल हम सिर्फ, तो बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, ये तमाम एलिमेंट्स को हम ग्रुप 3 में डालते हैं और कंसिडर करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो बेसिक टॉपिक है उसका नाम है जी रिएक्शंस ऑफ एल्यूमिनियम। वो आपको पता है ना, बोरान के बाद एल्यूमिनियम आता है। ग्रुप 3 की बात हो रही है, बोरान के बाद एल्यूमिनियम, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। तो एल्यूमिनियम जो है हम उसको लेके चलेंगे आज, और उसकी प्रॉपर्टीज, उसके यूजेज और उसके रिएक्शंस पे बहस करेंगे। होपफुली आप लोग इस वीडियो से बहुत फायदा उठाएंगे, एंड लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। सबसे पहले देखते हैं कि जो एल्यूमिनियम है वो किस लिहाज से इंपॉर्टेंट है। एल्यूमिनियम इज अ सिल्वरी वाइट लाइट वेट मेटल, इट इज सॉफ्ट एंड मेलिएबल। ठीक है जी। एल्यूमिनियम इज यूज्ड इन अ ह्यूज वैरायटी ऑफ द प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग द केन्स, फॉइल्स, किचन यूटेंसिल्स, विंडो फ्रेम्स, बियर केग्स एंड एरोप्लेन पार्ट्स। दिस इज बिकॉज ऑफ इट्स पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज। जो एल्यूमिनियम है उसका कलर है जी सिल्वरी वाइट। ठीक है, लाइट वेट है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये लाइट वेट है, यानी कि अगर आपने लोहे की उतनी अमाउंट, बराबर अमाउंट में एल्यूमिनियम लिया हुआ है, तो एल्यूमिनियम हद से ज्यादा हल्का होगा, यानी उसका वेट जो है वो बहुत कम होगा एज कम्पेयर टू द आयरन। ठीक है। सो ये कहाँ कहाँ पे यूज होता है? ये केन्स जो आपके सॉफ्ट ड्रिंक केन्स होते हैं, ठीक है, उनको बनाने में यूज किया जाता है। फॉइल्स यानी कि शीटें बनाने के लिए, कवर अप बनाने के लिए यूज किया जाता है। उसके अलावा वैरायटी ऑफ द प्रोडक्ट्स, किचन यूटेंसिल्स, विंडो फ्रेम्स, या आप लोगों की आजकल जो मॉडर्न खिड़कियां आ गई हैं जिनको रीलिंग लगी होती है, वो ज्यादातर होती हैं जी आपकी एल्यूमिनियम की बनी होती हैं। ठीक है। और इसके अलावा जहाजों, बड़े बड़े जहाजों के पार्ट्स इससे बनाए जाते हैं। सो ये सारी प्रॉपर्टीज इसी वजह से हैं क्योंकि इसमें कुछ खसूसियात मौजूद हैं। सो जो आमतौर पर कॉमन एप्लीकेशन हैं एल्यूमिनियम की, वो देख लेते हैं कि प्रीशियस ट्यूबिंग इन मोटर व्हीकल्स, रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर, सोलर पैनल्स एटसेट्रा, पावर लाइंस, रोल्ड एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स, हीट स्किन फॉर सीपीयूज एंड द ग्राफिक प्रोसेसर्स कंस्ट्रक्शंस। ठीक है, ये तो हो गए इसके कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस। नेक्स्ट आगे जनाब देखते हैं कि हम बात करते हैं कि वाई एल्यूमिनियम इज यूजफुल। एल्यूमिनियम इतना यूजफुल क्यों है? क्योंकि हम इसकी मखसूस प्रॉपर्टीज को देखेंगे ना, तो जाहिर सी बात है हम देखते हैं कि थ्रू हाई रिएक्टिव, ये बहुत रिएक्टिव है। इट इज ऑफन प्रेजेंट इन कुकिंग अप्लायंसेस बिकॉज इट फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव लेयर व्हेन एक्सपोज्ड टू द एयर। दिस थिन लेयर कोट विद अ मेटल द कोटिंग प्रिवेंट्स इट फ्रॉम रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन। द नॉन टॉक्सिक नेचर ऑफ द एल्यूमिनियम मेक्स इट सेफ टू यूज टू मेकिंग द कुकिंग टूल सच एज द स्पैचुलास एंड द विक्स। बहुत ही आसान सी बात है, जैसे हम लोहे को रखते हैं ना कुछ देर माहौल में, हवा में रखते हैं, तो लोहा क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, नमी के साथ रिएक्शन करता है, और लोहे को रस्टिंग होनी शुरू हो जाती है, यानी उसको जंग लग जाता है। बट अगर इसी के मुकाबले में एल्यूमिनियम को कुछ देर तक अब हवा में, या कुछ घंटों तक हवा या नमी में रख दिया जाए, तो क्या होता है कि एल्यूमिनियम हवा में मौजूद ऑक्सीजन से रिएक्शन करके Al2O3 की एक लेयर बना देता है अपने ऊपर, और वो जो लेयर है वो इतनी प्रोटेक्टिव होती है कि मजीद चीजों को इसके साथ रिएक्ट करने से रोक देती है। ठीक हो गया जी। तो ये इसका फायदा है कि इसी वजह से इसको अब यूज करते हैं कुकिंग के पॉट्स वगैरह बनाने में। आगे बात हो रही है, एल्यूमिनियम करोड्स बट इट डज नॉट रस्ट। ये इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स, आप लोग नोट डाउन करें। रस्ट रेफर ओनली इन आयरन एंड स्टील कोरोजन, द एल्यूमिनियम इज एक्चुअली वेरी प्रोन टू द कोरोजन। ठीक है जी। हाउएवर द एल्यूमिनियम कोरोजन इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड, अ वेरी हार्ड मटेरियल दैट इज एक्चुअली प्रोटेक्ट द एल्यूमिनियम फ्रॉम फर्दर कोरोजन। ये बात मैं स्टूडेंट्स अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन कर भी चुका हूँ कि एल्यूमिनियम को अगर आप फिजा में, हवा में रख दें, तो क्या होता है कि वो एल्यूमिनियम जो है वो उसके ऊपर Al2O3 एल्यूमिनियम ट्रायऑक्साइड की एक लेयर जम जाती है, जो कि उसको मजीद करोड होने से बचाती है। अब हम रिएक्शंस की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा आज का मेन मुद्दा है और जिसको हम लेके आगे बढ़ने वाले हैं, रिएक्शंस ऑफ एल्यूमिनियम विद एयर। ठीक है। अब देखें एयर के अंदर क्या होता है, हवा के अंदर नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, इसके अलावा और बहुत सारी गैसेस होती हैं। तो एल्यूमिनियम अ सिल्वरी वाइट मेटल है, सो नॉर्मली एल्यूमिनियम मेटल डज नॉट रिएक्ट विद एयर, बट
ऑक्साइड ऑफ द लेयर इज डैमेज द एल्यूमिनियम मेटल इज एक्सपोज्ड टू द अटैक एल्यूमिनियम विल बर्न इन ऑक्सीजन विद अ ब्रिलियंट व्हाइट फ्लेम टू फॉर्म अ ट्राई ऑक्साइड एल्यूमिनियम विच इज Al2O3। स्टूडेंट्स अभी थोड़ी देर पहले मैं जो बात कर रहा था ना एल्यूमिनियम के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर आ जाती है, तो वो ये लेयर है Al2O3 विच इज वेरी प्रोटेक्टिव और इसके बाद इसको जंग नहीं लगता। ठीक है, अब बात करते हैं कि हवा में मौजूद नाइट्रोजन से रिएक्शन कैसे होता है। नाइट्रोजन के साथ नॉर्मली ये रिएक्शन नहीं करती और एल्यूमिनियम नाइट्राइड नहीं बनाती, बट कब बनाती है? जब ये टेम्परेचर इसको मिलता है 800 to 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक। जब इसको ये टेम्परेचर मिलता है तो ये हवा के साथ, हवा में मौजूद नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करती है और AlN बनाती है। आपको पता है ना एल्यूमिनियम Al+3, नाइट्रोजन N-3, तो जाहिर सी बात है वो वैलेंसी का क्रॉस हुआ तो AlN बन गया। उसके बाद ये जो एल्यूमिनियम नाइट्राइड बना ना ये वाला, ठीक है, इसका फोटोग्राफी में बहुत ज्यादा यूज है। वेरी इंपॉर्टेंट, एक इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि इंस्टॉल्ड अराउंड द फ्लैश बल्ब एंड द शीट फंक्शन ऑफ इंक्रीज द ब्राइटनेस एंड टारगेटेड टारगेटेड टू द फोटो। दैट मीन्स दैट द एल्यूमिनियम रिफ्लेक्ट द कवर्स द वेट ओनली 30% ऑफ द स्टेनलेस स्टील वन ऑफ द सेम वॉल्यूम विच एनेबल्स द फोटोग्राफ्स टू मूव फ्लैश लाइट और एफर्टलेसली। ठीक है जी, ये जनाब अब इस तरह के कैमराज तो आप लोगों ने देखे होंगे, तो ये आपके ऊपर नजर आ रही है ना एक फ्लैश लाइट लगी हुई है जो कि बहुत ज्यादा रोशनी को रिफ्लेक्ट करती है और पिक्चर जो है बहुत ज्यादा क्लियर आती है। सो इसके अंदर लगा हुआ है जी एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम नाइट्राइड। जब वो उसको हीट मिलती है ना, तो आपको पता है टेम्परेचर मिलने पे क्या होता है, जब उसको बिजली मिलती है तो वो हीट अप होना शुरू हो जाता है, तो हीट अप होता है तो नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके नाइट्रोजन नाइट्राइड एल्यूमिनियम नाइट्राइड बना देता है जो कि क्या है, रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है। उसके बाद स्टूडेंट्स देखते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम इज कॉल्ड द बॉक्साइट, एल्यूमिनियम ओर इज कॉल्ड अ बॉक्साइट। द बॉक्साइट इज अ प्योरिफाइड टू द प्रोड्यूस द एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड वाइट पाउडर इन द फॉर्म ऑफ एक्सट्रैक्टेड। द एक्सट्रैक्शन इज डन बाय द इलेक्ट्रोलिसिस। एल्यूमिनियम ऑक्साइड मस्ट बी फ्री टू मूव टू द इलेक्ट्रिसिटी कैन पास थ्रू। यानी एल्यूमिनियम जो है वो भी चूंकि बहुत रिएक्टिव मेटल है, इस वजह से वो नॉर्मली फ्री स्टेट में नहीं पाई जाती। बट क्या होता है कि जब वो फ्री स्टेट में नहीं पाई जाती तो क्या करती है कि वो एल्यूमिनियम ओर की फॉर्म में पाई जाती है। सो उन ओर्स को सेपरेट किया जाता है, यानी एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है वहां से मुख्तलिफ प्रोसेसेस के थ्रू। ठीक है जी, रिएक्शंस ऑफ एल्यूमिनियम विद नॉन मेटल्स, जो अब देखेंगे गैसेस के साथ एल्यूमिनियम किस तरह रिएक्ट करती है। एक तो हमने देख लिया, हमने एल्यूमिनियम नाइट्राइड का बनना भी देख लिया, AlN का, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का बनना भी देख लिया। अब बात करते हैं सल्फर के साथ रिएक्शन करके ये क्या करती है, Al2S3 बनाती है। हेलोजेंस के साथ रिएक्शन करके AlX3 बनाती है। सो वाइड रेंज में ये, चूंकि नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शन इसका ज्यादा इस वजह से है क्योंकि बहुत रिएक्टिव है, मेटल है तो नॉन मेटल के साथ फॉरन रिएक्शन करेगी अपनी अक्रेंस के हिसाब से। हेलोजेंस के साथ बात करते हैं तो हेलोजेंस के साथ विग्रेस रिएक्शन होता है इसका, बहुत ज्यादा वायलेंट रिएक्शन होता है। क्लोरीन के साथ, ब्रोमीन के साथ, आयोडीन के साथ, तो सबके साथ रिस्पेक्टिवली काम करती है। क्लोरीन के साथ AlCl3 बना देती है, ब्रोमीन के साथ AlBr3 बना देती है, आयोडीन के साथ AlI3 बना देती है। चूंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, सो हेलोजेंस को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हेलोजेंस के साथ तीन तीन हेलोजन एक एल्यूमिनियम के साथ अटैच होते हैं और इस तरह से कंपाउंड बनाते हैं। बात करते हैं रिएक्शंस विद हेलोजन्स की, जैसे अभी इसी टॉपिक को हम लेके चल रहे हैं आगे। तो देखिए एल्यूमिनियम दो AL लिया, 3Cl2 गैशियस स्टेट में लिया तो AlCl3 बना दिया जो कि एल्यूमिनियम हेलाइड बन गया। ठीक है जी, सो ये हमने बात कर ली एल्यूमिनियम के हेलोजेंस के साथ रिएक्शन। अब बात करते हैं एल्यूमिनियम का हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन। चूंकि नॉन मेटल्स की बात करें तो हाइड्रोजन गैशियस स्टेट में पाया जाता है, नॉन मेटल है। एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिएक्ट विगरेसली विद वाटर। एल्यूमिनियम जो है ना वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करती है और हाइड्रोजन जो है वो डिजॉल्व होता है वाटर के अंदर, बहुत ज्यादा विगरेस रिएक्शन होता है इसका। एल्यूमिनियम रिएक्ट विद सल्फर, तो अब देखें Al+3S goes to, ये आपके पास प्रोडक्ट है Al2S3 एल्यूमिनियम सल्फाइड। एल्यूमिनियम रिएक्ट विद सल्फर टू प्रोड्यूस एल्यूमिनियम सल्फाइड। द रिएक्शन टेक प्लेस एट 1150 to 200 डिग्री सेंटीग्रेड। ये स्टूडेंट्स टेम्परेचर नोट करने वाला है, होपफुली आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। सो ये कंडीशन थी इसके रिएक्शन की। बात करते हैं एल्यूमिनियम का रिएक्शन विद फास्फोरस। फास्फोरस के साथ भी ये रिएक्शन करती है और क्या बना देती है, ये प्रोडक्ट बनाती है एल्यूमिनियम फास्फेट। ठीक है, बट इसके लिए भी एक कंडीशन आपको चाहिए। उसके लिए कंडीशन क्या है कि फास्फोरस
500 टू 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपको टेम्परेचर चाहिए होता है जब ये आप फास्फोरस के साथ इसका रिएक्शन करवा रहे होते हैं। बात करते हैं रिएक्शन विद वाटर, तो वाटर के साथ रिएक्शन ये इसका ऑक्साइड की लेयर्स बन जाती है, जाहिर सी बात है। सो देखें वाटर में ये रिएक्शन करती है, वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद देखें 2AlOH3+H2 गैशियस स्टेट में ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना देती है, और यही एल्यूमिनियम जो है ये वाटर के साथ कभी रिएक्शन करके क्या बनाती है Al2O3। ये कब पॉसिबल है, जब वाटर की हम दो स्टेट्स को लेते हैं। आपको पता है ना वाटर तो तीनों स्टेट्स में, मैटर की तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकता है। यहाँ पे जो हमने वाटर लिया ना 6H2O, तो ये हमने लिक्विड फॉर्म में लिया तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना दिया। यहाँ पे हमने 3H2O जो लिया ये गैसियस स्टेट यानी भाप की सूरत में लिया तो Al2O3 बना दिया, जो कि एक प्रोटेक्टिव लेयर है। बात करते हैं रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम विद एसिड्स। सो एसिड्स के साथ भी रिएक्शन करती है, रैपिडली रिएक्शन करती है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करती है। सो हाइड्रोजन गैस को एवॉल्व करती है एल्यूमिनियम एसिड्स के साथ रिएक्शन करके। बेसिस के साथ देख लेते हैं, यहाँ पे NaOH को इस यानी कि हमने ना NaOH को वाटर में मिक्स करके यूज किया है। सो मेटल 2Na मेटल को एक्वस फॉर्म में सेपरेट किया और यहाँ पे कम्प्लेक्स कंपाउंड बना दिया एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का हाइड्रोजन गैस के इवॉल्वमेंट के साथ। सो हम बोलते हैं कि जब एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ तो वो क्या करता है, एक कम्प्लेक्स कंपाउंड बना देता है एल्यूमिनियम हाइड्राइड का। स्टूडेंट्स होपफुली आपको लेक्चर की बहुत ज़्यादा समझ आई होगी। आप लोग अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।